देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमरावती में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक मार्केट। तलेगांव में पकड़ा 261 किलो गांजा। ग्रामीण में एसटी बस सेवा पूर्ववत शुरू करे। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा घोषित ब्रेक द चेन मंगलवार 3 अगस्त से लागू कर दी गई है। सभी तरह की जीवनावश्यक व बगैर जीवनावश्यक दुकानें मार्केट सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक शुरू रखने की छूट दी गई है, जबकि शनिवार और रविवार को केवल जीवनावश्यक दुकानें दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेंगी। शॉपिंग मॉल समेत सभी तरह की बगैर जीवनावश्यक दुकानें व मार्केट रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। कृषि सेवा केंद्र समेत कृषि उत्पादन, कृषि औजार तथा औद्योगिक इकाइयों पूरी सप्ताह संपूर्ण क्षमता के साथ शुरू रहेंगे। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालय 100% क्षमता के साथ शुरू रहेंगे। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपना यह पहला आदेश जारी किया है। रात 8 बजे तक शनिवार रविवार को दोपहर 3 बजे तक किराना दुकानें, सब्जी, फल, डेयरी, मिठाई, खाद्य पेय, आटा चक्की, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ की दुकानें, दूध संकलन केंद्र, दुग्धालय, दूध वितरण व्यवस्था, पालतू प्राणी, खाद्य पदार्थ बिक्री दुकानें, कृषि सेवा केंद्र, कृषि प्रक्रिया उद्योग, कृषि औजार और कृषि उत्पादन से संबंधित दुकानें शामिल रहेंगी। दूसरी खबर, तलेगांव दशासर पुलिस व एलसीबी ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी कर यवतमाल से देवगांव की ओर जा रहे ट्रक को पकड़कर 261 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने ट्रक चालक शेख हसन शेख कासम को हिरासत में लिया है। गांजा व ट्रक सहित 41,039 का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई 3 अगस्त की सुबह 11 बजे हुई। पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली कि यवतमाल जिले से ट्रक बाबुलगांव मार्ग होकर देवगांव पहुंच रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर गांजा रखा हुआ है। पुलिस ने यवतमाल मार्ग देवगांव हनुमान मंदिर के पास नाकाबंदी मुहिम चलाई। इस दौरान उक्त ट्रक आने पर उसे रोककर जांच पड़ताल की, जिसमें से 161 किलो गांजा बरामद किया गया। ट्रक सहित 41,039 का माल जब्त किया है। ट्रक चालक शेख हसन शेख कासम को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। तीसरी खबर, कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित शुरू हो गई है, लेकिन एसटी बस सेवा उपलब्ध न रहने से छात्र समय पर स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मोर्शी में तहसील में सबसे बड़ा बाजार रहने से तथा फिलहाल किसानों के कृषि कार्य जोरों पर जारी रहने से पूर्ववत बस सेवा शुरू करें, ऐसी मांग राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तहसील अध्यक्ष नरेंद्र जिचकार, महिला आघाड़ी तहसील अध्यक्ष कृषारी विघे, तहसील उपाध्यक्ष रुपेश वालके, कृषि मंडी के संचालक प्रकाश विघे, अंकुश घारट, उमेश गुडगे, समीर विघे ने एसटी के विभाग नियंत्रण से की है। बस के अभाव में जीप तथा निजी वाहन वाले मनमानी किराया वसूल रहे हैं। वह भी समय पर उपलब्ध न रहने से अनेक छात्र को स्कूल से वंचित रहना पड़ रहा है। मांग पूरी नहीं की तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।